हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 12th क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैटालिसिस करा दिए। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में बच्चे मैंने आपको वहां पर तीन टाइप्स मैंने आपको वहां करा दिए थे, टू टाइप्स हमारे रह गए थे। तो आज की इस वीडियो में जो कैटालिसिस है उसके जो बच्चे हमारे जो टाइप्स है उसको जानेंगे और साथ में जैसे कि हमारे यहाँ पर दिया है कि प्रोडक्ट के जो उत्तेजक होते हैं कि आपके एक्टिवेटर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ में कैटालाइसिस पॉइजन को भी हम यहाँ पे जानेंगे और साथ में उनके जो उनकी जनरल प्रॉपर्टी है कैटालाइसिस की, वो भी आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट। आज जैसे कि यहाँ पर टाइप नंबर 3 हमारा कम्प्लीट होता है, उसके बाद टाइप नंबर 4 हमारा यहाँ पर आ जाता है। इसका नाम है श्वेत उत्प्रेरणी, यानी कि जो अपना में उठता हो, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस, जो खुद में होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो खुद ही क्या करते हैं, उस पर रेखा कार्य करते हैं। जब विक्रिया में बनने वाले उत्पादों में से कोई उत्पाद देखो, कोई रिएक्शन वहां पर हो रही है, उसमें एक या दो या दो से अधिक आपके जो प्रोडक्ट है वो बन जाते हैं, उत्पाद आपके बन जाते हैं, तो उनमें से कोई एक उत्पाद क्या करता है, उत्प्रेरका कार्य करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका स्वयं स्वयं उत्प्रेरका कार्य कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका श्वेत उत्प्रेरण बोलते हैं। श्वेत उत्प्रेरक बोलते हैं और जो इस घटना हमारी हो जाती है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, श्वेत उत्प्रेरण बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ी भी दिया कि जब अभिक्रिया बनने वाले उत्पादों में से कोई एक उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे श्वेत उत्प्रेरक और इस घटना को श्वेत उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इसका बेहतर जो एग्जाम्पल हमारा हो सकता है बच्चे, वो हो सकता है क्या कि जैसे एथिल स्टेट का मैं जल अपरण करता हूँ, तो मैंने यही लिया है, वैसे तो दो तीन एग्जाम्पल होती हैं आपकी, इससे हम इसको कवर कर लेंगे। आप सब जानते हैं कि बच्चे जब एथिल स्टेट का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, जल अपरण कराते हैं, तो जो जो क्रिया है आपकी किसी एसिड की प्रेजेंट में होती है। ठीक है, नहीं अब यहाँ पर अगर बात करूँ की जब इसका मैं एथिल स्टेट का मैं हाइड्रोलाइसिस यहाँ पर कर रहा हूँ, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होता है, वहां पर एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल हमारा बढ़ जाता है। अब ये हमें ये भी पता है कि रिएक्शन किसकी प्रेजेंट में होती है, किसी एसिड के प्रेजेंट में, तो यहाँ बनने वाला उत्पाद जो है वो हमारा एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड ही यहाँ पे क्या कर रहा है, एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, श्वेत उत्प्रेरक बोल दिया, यानी एसिटिक एसिड को हमने क्या बोल दिया, श्वेत उत्प्रेरक बोल दिया, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, श्वेत उत्प्रेरण बोल दिया। ठीक है बच्चे, ये तो हो जाती है बात आपकी ऑटो कैटालिसिस की, यानी कि श्वेत उत्प्रेरण की। इसके बाद आता है प्रेरित उत्प्रेरण, इसको इंड्यूस्ड कैटालिसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक रासायनिक क्रिया किसी दूसरे रासायनिक का अभिक्रिया क्या करती है, उत्प्रेरित करती है। ठीक है, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कैटालिसिस बोल देते हैं। कि जब कोई एक रिएक्शन क्या करती है, किसी दूसरी रिएक्शन को वो क्या करती है, उत्प्रेरित करती है, यानी उसको जल्दी कराती है। ठीक है, नहीं जब रिएक्शन टू स्टेप में होती है, तो पहला स्टेप पर होने के बाद वो सेकंड स्टेप जब आता है, तो यानी वो उसको हम वो क्या होता है, हमारा इंड्यूस्ड कैटालिसिस का एग्जांपल होता है इस टाइप का। ठीक है, नहीं अब इसके बाद यदि हम पढ़े थे बच्चे, यहाँ पर क्या है, उत्प्रेरक के उत्तेजक या वर्धक कैटालिसिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका कैटालिसिस एक्टिवेटर्स और प्रमोटर्स क्या होते हैं। देखो अब कैटालिसिस एक्टिवेटर्स और प्रमोटर्स की अगर बात करें, जो पदार्थ स्वयं अभिक्रिया में उत्प्रेरित नहीं क्या है, वो उत्प्रेरित नहीं कर सकते परंतु उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर्स बोल देते हैं, वर्धक कहलाते हैं। यहाँ पर बात यही कह रहा है कि जो पदार्थ स्वयं क्या है, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं उस अभिक्रिया को ना तो पार्टिसिपेट कर रहे, ना ही उस अभिक्रिया का जो वेग है ना उसको बढ़ा रही, ना ही वो किसी उत्प्रेरक का कार्य कर रही, लेकिन उस रिएक्शन के अंदर जो उत्प्रेरित आपका प्रेजेंट है, उस उत्प्रेरित को क्या कर रहे हैं, वहां से उसकी सक्रियता को बढ़ा रहे हैं, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं इस रिएक्शन को कराने के लिए। तो इस टाइप के जितने भी हमारे आपके उत्प्रेरक होते हैं, या इस तरह से हम बोलते हैं कि आपके कंपाउंड होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्धक कहते हैं। ठीक है, नहीं इनकी वर्धक ही प्रमोटर्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात को यहाँ पर हैबर प्रोसेस ऑफ निमोनिया का पढ़ा है, तो हैबर प्रोसेस में आपको यहाँ पर दिया है क्या है, N2+3H2 एरो लगा के क्या है यहाँ पर 2NH3, लेकिन मेन मुद्दा इस रिएक्शन से नहीं, हमारा मुद्दा यहाँ से है कि MO/FE दिया गया है, हमें दिया है कि MO/FE, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें कौन वर्धक और कौन उत्प्रेरक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर FE की, FE क्या करती है, FE के द्वारा ये अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है, लेकिन MO के द्वारा मोलिब्डेनम जो है हमारा,
इसके द्वारा ये अभिक्रिया प्रेरित नहीं होती, ठीक है। लेकिन मॉलिब्डेनम करता क्या है, वो एफ ई की सक्रियता को बढ़ा देता है, इसकी एक्टिविटी को, यानी कि इसकी एक्टिवनेस, इसको एक्टिवनेस कर देता है, पूरा एक्टिव कर देता है इसको, यानी एफ ई को। तो ये मॉलिब्डेनम क्या करता है, यानी कि वो एफ ई को क्या करता है, एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका मॉलिब्डेनम है, वो मॉलिब्डेनम क्या कहलाएगा, आपका वर्धक कहलाएगा या एक्टिवेटर्स कहलाएगा, ठीक है। नहीं तो अब ये तो थी बात किसकी, आपके यानी कि उत्तेजक या वर्धक, यानी कि कैटालिसिस के एक्टिवेटर्स और प्रोमोटर्स। मैंने आपको बता भी दिया कि मॉलिब्डेनम क्या है, यहाँ पर एक प्रोमोटर्स का ही कार्य कर रहा है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अब आ जाती है बात उत्प्रेरक विष की, यानी कि कैटालाइटिक पॉइजन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नहीं अब पॉइजन का मतलब जहर होता आप सभी जानते हैं, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी को मारने वाला ही है, ठीक है। नहीं तो इसमें कुछ नहीं है, आप इस एक बात समझ सकते हैं कि जहर मारने का कार्य करता है, इसलिए ये भी क्या करेगा, किसी उत्प्रेरक की जो कार्य क्षमता है, जो उसकी क्रियाशीलता है, उसको ये नष्ट कर देगा या कम कर देगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका उत्प्रेरक विष बोल देते हैं, यानी कि कैटालाइटिक पॉइजन बोल देते हैं, ठीक है। नहीं तो यही है, अब जो डेफिनेशन पाते हैं, उन्होंने कहा कि उत्प्रेरक विष वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, कम या बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, उत्प्रेरक विष बोल देते हैं, ठीक है। नहीं अब देखो यहाँ पर मैं बात करूंगी, देखो आपको यहाँ पर दिए एथिलीन और प्लस H2, यानी कि निकल की प्रेजेंटेशन में तो यहाँ पे एथेन आपकी बन जाती है, एथेन बननी है। लेकिन अगर इसी अभिक्रिया में बात करूं, HG और CO जो है वो एक विष का कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, यानी कि Fe जो HG है और CO है वो एक विष का कार्य करते हैं, वो जो निकल की जो क्रियाशीलता है इसको क्या कर देते, कम कर देते, इसको बिल्कुल ब्लॉक ही कर देते, खत्म ही कर देते, नष्ट कर देते क्रिया से, ठीक है। इसके बाद आते हैं उत्प्रेरक के सामान्य गुण, तो अब क्या है जानेंगे उत्प्रेरक के सामान्य गुण। तो उत्प्रेरक के सामान्य गुण में जैसे कि हमारी पहली हेडिंग आपको दी हुई है अपरिवर्तनशीलता, यानी कि आपने दिया हुआ भी कि अपरिवर्तनशीलता, तो अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक की मात्रा या और संगठन की मात्रा क्या रहती है, वो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जब रिएक्शन पूरी हो जाती है तो वहां पर उत्प्रेरक की मात्रा जो है वो ना घटती ना बढ़ती, वो क्या करती है अपरिवर्तित रहती है, जितनी हमने ली थी वो उतना ही रहती है, ठीक है। नहीं तो ये पहला इसका क्या है, इसकी जो हमारा कैटालिसिस का जनरल प्रॉपर्टी है। अब सेकंड बात अगर हम यहाँ बात करें, उन्होंने कहा उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, अब यहाँ पर क्या है कि उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा, तो भी देखो विषमांग उत्प्रेरक अभिक्रिया उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर, देखो इसमें क्या है कि हमें इतना पता है कि उत्प्रेरक छोटा हो या बड़ा, अब देखो कम से कम मात्रा उत्प्रेरक की क्या कर देती है, उस रिएक्शन रेट को बढ़ा देती है, उसका जो वेग है रिएक्शन का उसको बढ़ा देती है, ठीक है। नहीं तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, ताप का प्रभाव, हमने कहा कि प्रत्येक, देखो यहाँ प्रत्येक उत्प्रेरक की जो सक्रियता है किसी निश्चित ताप पर, क्या आगे किसी निश्चित ताप पर सबसे अधिक होती है, यानी कि आप ध्यान दीजिए, आप इसका ये बात बोला कि की जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक नहीं प्रत्येक कोई ना कोई उत्प्रेरक होगा, सब का एक टेम्परेचर होता है, तो उसकी जो सक्रियता है किसी निश्चित ताप पर क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो यही ये तो हुआ अभी तक जनरल प्रॉपर्टीज में, दो पॉइंट और कराता हूँ मैं आपको, तो पॉइंट नंबर थर्ड हमारा हो जाता है, पॉइंट नंबर फोर की बात करते हैं। पॉइंट नंबर फोर जो था हमारा कि उत्प्रेरक जो है साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते, नहीं जितने हमारे कैटालिसिस होंगे वो जो इक्विलिब्रियम होता है उसको क्या करते हैं, वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालते, ठीक है। नहीं इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर फाइव दिया है कि उत्प्रेरक की किसी, देखो उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, उत्प्रेरक जो है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं इसके बाद आता है हमारा एंजाइम उत्प्रेरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस बात के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर क्या है एंजाइम उत्प्रेरण, यानी कि एंजाइम कैटालिसिस, तो एंजाइम कैटालिसिस क्या होती है, देखो इसमें क्या है कि ये कह रहे हैं कि एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ यौगिक होते हैं आपके, जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जल में क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखो क्या है, जो एंजाइम है हमारे वो क्या है, उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। नहीं और इन्होंने कहा कि जो पेड़ पौधों से क्या होते हैं, ये प्राप्त होते हैं और ये जल में क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या याद दिया है कि देखो कि जीव की दाल में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। नहीं इसके बाद यही कारण क्या है कि देखो जब जीव में जो हमारा टाइलिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और इसी के कारण क्या होता है कि जो मक्का और गेहूं की जो रोटी होती है इसको अगर अधिक देर तक चबा लेते हैं तो अधिक देर तक चबाने के बाद क्या होता है कि वो जो रोटी है आपकी वो मीठी लगने लगती है, ठीक है। नहीं तो इसका कारण यही है कि वहां पर क्या है कि जो टाइलिन एंजाइम होता है हमारा, वो टाइलिन एंजाइम क्या करता है,
कि जो हमारा क्या है कि स्टार्च है उसको किसमें बदल देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया भी है कि इन्वर्टेज एंजाइम क्या है, चीनी के जले बटन को उत्प्रेरित करता है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो इन्वर्टेज एंजाइम है वो क्या कर रहा है कि जो हमारी स्टार्च एक तरह से हम चीनी बोल देते, चलो चीनी को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है नहीं, यानी कि इस रिएक्शन को क्या कर रहा है, वो उत्प्रेरित कर रहा है और इनको कन्वर्ट कर देता है जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो यहाँ पर क्या किया है, देखो चीनी है ये हमारी, ठीक है नहीं, शुगर का मैं जब हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, शुगर को यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है नहीं। ये हमारा ग्लूकोज और ये हमारा फ्रुक्टोज है, ठीक। इसके बाद ग्लूकोज अथवा फ्रुक्टोज को क्या करता है कि एक जाइमेज एंजाइम होता है, जो जाइमेज एंजाइम क्या करता है, यानी ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के दोनों में से किसी एक को क्या कर देता है, वो एथिल अल्कोहल में CO2 में क्या कर देता है, उसको अपघटित कर देता है। तो यहाँ पर अब जो हमारा जाइमेज एंजाइम है वो क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम क्या कर रहा था, एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हमने ग्लूकोज लिया है और जाइमेज एंजाइम प्रेजेंटेशन लिखा है, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं हमारे एथिल अल्कोहल के और दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं CO2 गैस के, ठीक है बच्चे। इसके बाद सामान्य गुण की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य गुण क्या होते हैं यहाँ पर, अब सामान्य गुण किसके ही है, यानी एंजाइम उत्प्रेरण के सामान्य गुण है। तो एंजाइम उत्प्रेरण के सामान्य गुण में नंबर जो फर्स्ट में यहाँ दिया है, क्योंकि एंजाइम समय तक जल अपघटन आक्सीकारक अभिक्रिया को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है आपका, यानी कि अगर जल अपघटन हुए जितनी हमारी आक्सीकारक अभिक्रियाएं हुई उनको क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, उनके वेग को बढ़ा देते हैं, ठीक। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड की क्या है, यहाँ पे देखो एंजाइम की क्रिया बहुत विशिष्ट होती है, ठीक है नहीं, एक एंजाइम कहीं अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करता, यानी कि अब देखो कह रहे हैं कि ये जो एंजाइम रिएक्शन होती है हमारी, ये बड़ी स्पेशल होती है, यानी एक विशिष्ट होती है। अब ये ऐसा नहीं है कि जो एक ही एंजाइम क्या है वो कई रिएक्शन को कम्प्लीट करा दे, यानी उसको कई रिएक्शन को क्या कर दे, उसके जो वेग है उसको बढ़ा दे, ये सिर्फ एक एंजाइम एक रिएक्शन करता है, ठीक है, एक ही रिएक्शन को क्या करता है, वेग को परिवर्तित करता है, उसको बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर इनकी जो सक्रियता है, नंबर 3, अब इनकी जो सक्रियता है वो परामैग्नेटिक किरणों के द्वारा नष्ट हो जाती है, इनकी जो इनकी एक्टिवनेस है वो क्या होती है, अगर वहां पर अल्ट्रावायलेट रेंज आपकी पड़ जाती है तो वे क्या होती है, इनकी सक्रियता जो होती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 की मैं बात कर लू, पॉइंट नंबर 4 ये होती है प्रत्येक एंजाइम की सक्रियता एक निश्चित ताप पर सबसे अधिक होती है, और जो जिस ताप पर जिस एंजाइम उत्प्रेरण की सक्रियता क्या होती है सबसे अधिक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम का अनुकूलन ताप बोल देते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये पॉइंट नंबर आपका 4 कंपनी हो जाता है। अब इसने कहा कि प्रत्येक, देखो इन्होंने कहा कि सामान्य साम्य अवस्था में एंजाइम उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, देखो क्या है कि ये कह रहा है कि जब साम्य अवस्था होती है तो एंजाइम उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी आप यहाँ ये चीज भी पढ़ के आ चुके, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट होता है, पॉइंट नंबर 6 आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, को एंजाइम एंजाइम प्रेरक के लिए क्या एक वर्धक का कार्य करते हैं, कि जो को एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंजाइम प्रेरक के लिए एक वर्धक का कार्य, प्रोमोटर्स का कार्य करते हैं, ठीक है नहीं। यानी अब देखो एंजाइम को कर रहा था उत्प्रेरक का कार्य, और ये जो हमारा क्या होता है को एंजाइम होते हैं, ये इसके संकेतों को बढ़ा देते हैं जिससे रिएक्शन का वेग और तेज हो जाता है, ठीक है बच्चे। आज की वीडियो में रखेंगे इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।